बोलो यार जो गलत है वो गलत है। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है और जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिरकार कौन ये लोग हैं जो कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ इस तरह से जो बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। एक महिला इस समय मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वीडियो में जो इंस्टाग्राम पर एक दिखाया जा रहा है रील में, ये क्या हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है। सीता जी, ये क्या वीडियो है, क्या चल रहा है इस वीडियो में? देखिए, मैंने एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम खोला तो मेरे को वीडियो आई बहुत सारी, मैंने बहुत सारी वीडियो सेव कर ली है। तो जब मैंने देखा, मैं चार दिन तक रोती रही। मैंने बजरंग दल वालों से भी बात की है और त्रिकुटा नगर के ऑफिसर से बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि चैनल आप बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। तो मैंने खुद अपनी हिम्मत की और मंदिरों में जा रही हूँ और यहाँ भी मंदिर में आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मंदिरों की संस्थाओं से मिलूं और जिन लोगों ने एक नहीं, इंस्टाग्राम पे हजारों वीडियो चल रही है इस टाइप की, राधा जी को कुतिया को राधा जी बनाया है और कुत्तों को बनाया है कृष्ण भगवान, आप इंस्टाग्राम खोल करके देख सकते हैं। मैं सब जगह जा रही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं चल रहा, बट मैं अकेली और ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो मैं अकेली चल पड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ हिंदू भाई बहन जागे, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी वीडियोस है देखे और सामने आए, धर्म के लिए आए कि ये लोग हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं, हमारे धर्म का अनादर हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अनादर हो रहा है। आप सोचिए, खुद शर्म की बात है कि कुत्तों को भगवान का रूप दिया जा रहा है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि कुत्तों में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन हर चीज की ये कैसा तमाशा है, ये क्या खिलवाड़ है, वो मैं नहीं जानती कि बनाने वालों ने क्यों बनाई, पर जो भी बनाया है बहुत गलत है, बहुत ही शर्मनाक है, हमारे हिंदुओं के लिए डूबकर मरने वाली बात है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आज भी आपका जमीर नहीं जागा, आज भी आपका जमीर अगर नहीं जागा तो फिर हिंदुओं को इस परले से कोई नहीं बचा सकता। आप खुद सोचिए, अगर आज तो आपने तो खुशी खुशी कुत्तों को बना दिया, तो जिस दिन भगवान की लाठी पड़ेगी तो पिस तो भाई सारे जाएंगे, एक सिर्फ बनाने वाला ही नहीं पिसेगा, बनाने वाला ही नहीं पिसेगा कि एक बना रहा है वही नहीं पिसेगा, बनाने वाला नहीं पिसेगा, बाकी सब भी पिस जाएंगे जिन्होंने ये वीडियोस देखी है, लाइक की है, कमेंट्स की है, शेयर की है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो यहाँ पर इस वीडियो को जारी करके वो लोगों को मुबारक दे रहा है जन्माष्टमी की, और वीडियो को लोग शेयर भी कर रहे हैं। ये शेयर करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? वो देखो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये वीडियो कहाँ से चल रही है किस, लेकिन ऐसी हजारों वीडियो चल रही है, एक वीडियो नहीं है, आप इंस्टा खोलो हजारों वीडियो चल रही है और ये अपने ही है, हिंदू ही होंगे जो शेयर कर ले हैं, लाइक कृष्णा, प्यारा क्यूट कृष्णा, प्यारा पप्पी, ये वो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता चल रहा है कि यार ये बहुत गलत है, हमारे हिंदुओं के लिए डूब कर मरने वाली बात है, बहुत शर्मनाक बात है, जो कभी बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, ये बर्दाश्त हो ही नहीं सकती ऐसी बात कि तुम यार भगवान को, सृष्टि के रचयिता को, तुम कुत्ते को मतलब सृष्टि का रचयिता बना दो, भगवान कृष्ण को बना दो, जो कृष्ण इस सृष्टि का सार है, जिसकी गीता पढ़ के, जिसकी गीता से हम चलते हैं, जिसकी गीता से हिंदू है, और उसी कृष्ण को तुम कुत्ते बना रहे हो, यार ये बहुत ही घटिया और मरने वाली बात है हमारे लिए, ये बहुत ही लानत वाली बात है। आज भी हिंदू नहीं जागा तो हिंदुओं को परले से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। अभी उत्तराखंड में कितनी परले आई है, क्यों? क्योंकि हम अनादर कर रहे हैं देवी देवताओं का और वो भी हमारे लिए परले ला रहे हैं। अगर ये अनादर हुआ है तो भाई इसको, अगर आप आज आंखें नहीं खोलोगे तो फिर सहने को भी तैयार हो जाओ, बिल्कुल सहने को तैयार हो जाओ, आपको आना पड़ेगा हिंदू भाई बहनों को आगे, और ऐसे दुराचारियों को, ऐसे दुष्टों को, ऐसे जलादों को सजा दिलानी होगी, ये भी काल कोठरियों में सड़े तब इनको पता चलेगा कि कृष्ण क्या है और हम कुत्तों को कृष्ण बनाते हैं, इनको तब पता चलेगा। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई
सुनवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी से, मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब इंस्टाग्राम पे देखिए हजारों वीडियो चल रही है, ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए जो ऐसे दुराचारी, जैसे पापी और ऐसे गंदे लोग हैं जो भगवान का भी इतना अनादर करते हैं, उनको करते हुए भी शर्म नहीं आती है। ना जाने हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, या फिर ये हमारे समाज के लोग जो है वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक कुत्ते को जो है वो क्रिएशन बनाया गया है, जो कि काफी अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद कुछ ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म के, जो हिंदू धर्म के साथ, एक बहुत बड़ा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भी सरकार से अपील रहेगी कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी हिंदू धर्म के लोगों की जो आस्था है उसे जो है वो ठेस ना पहुंचे। आप जनता अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।